बढ़िया का रसगुल्ला खाते ही सूबे के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की थकान दूर हो गई। एक रसगुल्ला खाते सारा थकान दूर हो, इतना बढ़िया रसगुल्ला बनता है। एक रसगुल्ला खाते सारा थकान दूर हो। दरअसल भागलपुर से पटना जा रहे सूबे के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन लखीसराय जिले के बढ़िया पहुंचे। बढ़िया लोहिया चौक पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का खूब स्वागत किया। फिर मंत्री लोहिया चौक के पास ही माँ शीतला मिष्ठान भंडार दुकान में गए। आपको बता दें कि बढ़िया का रसगुल्ला बिहार ही नहीं बल्कि देश में इसकी अलग पहचान है। इस दौरान मंत्री शहनवाज हुसैन पूरे दुकान का जायजा लिया और फिर रसगुल्ला खाया। आधा रसगुल्ला खाते ही मंत्री की थकान मिनटों में दूर हो गई। मंत्री के साथ मौजूद लोगों ने भी बढ़िया के रसगुल्ले का स्वाद चखा। सबने जमकर तारीफ की। फिर मंत्री ने कहा कि बढ़िया का रसगुल्ला की अलग पहचान है। मैंने पूरे देश के रसगुल्ले खाए हैं लेकिन बढ़िया का रसगुल्ला अलग है। मंत्री ने कहा कि यह एक कुटीर उद्योग भी है, यहाँ 23 आदमी काम कर रहे हैं। जाते जाते मंत्री ने यह भी कहा कि हर बार जब इस रास्ते से गुजरते थे तो रसगुल्ला पैक करवा लेते थे, लेकिन इस बार पैसे नहीं रहने के कारण रसगुल्ला पैक नहीं करवा सकते। पूरे देश में मैंने रसगुल्ले खाए हैं लेकिन यहाँ माँ शीतला मिष्ठान भंडार जो अमित जी का जगह है, यहाँ जरूर रुकता हूँ। एक रसगुल्ला खाते सारा थकान दूर हो, इतना बढ़िया रसगुल्ला बनता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसे तो यह रसगुल्ले की जगह हमने निरीक्षण भी किया, 23 आदमी तो रोजगार मिला हुआ है। ये सिर्फ एक कुटीर उद्योग भी है, मैं उद्योग मंत्री हूँ तो जहाँ भी कोई भी उद्योग होगा वहाँ पहुँचना मेरा काम। ऐसे तो बहुत लोगों ने खाया, मैंने आधा पीस ही खाया, लेकिन मेरे साथ आए बहुत लोगों को इन्होंने खिलाया। और जब भी हम लोग इधर से गुजरते हैं अमित जी का रसगुल्ला खाए बिना जाते नहीं, और थोड़ा बहुत अगर पैसा रहता है तो पैक भी कराते हैं। इस बार पैसा नहीं लाए हैं तो पैक नहीं करा पाए। मंत्री की यह बात सुनकर माँ शीतला मिष्ठान भंडार के प्रोप्राइटर अमित कुमार से रहा नहीं गया। भले ही मंत्री शहनवाज हुसैन ने मजाक में ही पैसे नहीं होने की बात कही हो, पर अमित कुमार ने भेंट स्वरूप मंत्री के लिए रसगुल्ला पैक कराया और फिर मंत्री पटना के लिए रवाना हुए। हमारा भी साइज आप जैसा नहीं है।